When did you you decide to get into acting and uh, how you landed up a role in I I think as I said हमेशा से ही मेरा dream था तो I don't think एक age पर आकर मैं रुकी जहाँ you know मैंने कहा कि यही करना है लेकिन आई um, थिंक uh, मैं नौ साल की थी जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की तो आई थिंक उस उम्र से शायद फिर वो पक्का हो गया कि अब तो इस इस लाइन में ही आना है एंड एंड मेरी फैमिली भी जो है उन्हें भी उन्हें भी पता था कि ये लड़की तो फिल्मों में ही आएगी मुझे देखकर कोई भी पहचान लेता बट um, नौ साल की थी जब मैंने बहुत सारी डांस की ट्रेनिंग स्टार्ट um, uh, की आई डिड अ लॉट ऑफ लैटिन अमेरिकन डांसिंग सांबा रुम्बा चाचा जाइव कथक उड़िसी हिप हॉप तो मैंने बहुत उसमें ट्रेनिंग ली एंड uh, साथ में पढ़ाई भी चल रही थी लेकिन um, मैं 16 साल की थी जब शिवाय का ऑफर आया एंड अजय सर ने यू you नो know, मेरे फोटोज़ देखे थे एंड ही सेट दैट मुझे देखना है कि आप स्क्रीन पर कैसी लगती हैं एंड आप आप एक्ट अच्छे से आप कर पाती हैं या नहीं सो so, um, हमने आई आई गेव स्क्रीन टेस्ट शिवाय के लिए एंड um, तो फिर बस होगी हो गई हो वो पिक्चर <laughs> Did you get nervous at any point while signing for this film? I think मेरा मेरा जो सबसे खुशी का वक्त होता है या वो वो जब टाइम होता है मेरी लाइफ का जब मैं सबसे ज़्यादा खुश एंड अच्छा महसूस करती हूँ वो वो सब वो सिर्फ सेट पर होता है आई एम दैपीस्ट पर्सन वन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो मेरे लिए एक्टिंग इज नॉट अ प्रोफेशन। वो मेरे लिए वो एक बहुत वो कामनेस एंड खुशी की फीलिंग है तो प्रेशर नहीं कभी फील नहीं हो बट ऑफकोर्स लाइव फिल्में मिलना बहुत मुश्किल है uh, मैं न्यू कमर हूँ तो मे मेरे लिए डेब्यू भी मिलना uh, मुश्किल था बहुत बड़ी बात है so, so, सो उस, सो उसका शायद थोड़ा प्रेशर था अबाउट ऑफ द worked ऑन till now? मैंने एक तेलुगु फिल्म की है Um, उसका नाम है अखिल वो पिछले पिछले साल रिलीज़ हुई लेकिन जो मैंने सबसे पहली फिल्म साइन की थी वो शिवाय ही थी सो अजय सर के लिए मैंने पहले पहला ही स्क्रीन टेस्ट दिया था एंड मेरा काम उन्हें पसंद आ गया था तो एज आई सेड दो साल पहले मैंने शिवाय साइन की लेकिन वो जब थोड़े वक्त के लिए डिले हो गई थी फिल्म um, तो फिर वो तेलुगू फ़िल्म का ऑफ़र आया एंड उसकी टीम बहुत ही अच्छी थी डायरेक्टर बहुत ही जाने माने आ, बहुत ही नामजीन अच्छे डायरेक्टर थे एंड नागार्जुन के जो यंगर बेटे हैं उसमें वो हीरो थे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी तो आई फेल दैर एक एक कैमरा एक्सपीरियंस हो जाएगा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा शिवाय के पहले अगर मैं एक साउथ की फिल्म करूँ तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए बिकॉज आई आई एक वो फेमिलियरिटी हो जाती है कैमरा के साथ सेट के एटमोसफियर के साथ सो So that was, that was good. <laughs> Did you ever think that your life is going to change after signing a Bollywood film? मुझे तो अब भी नहीं लग रहा है oh. <laughs> you know, लाइफ मेरी सेम है mm -hmm. um, मैं, मैं काफी हमारा घर काफी साधारण है आप देख रहे हैं तो फॉर मी लाइफ इज द सेम लेकिन of course जब आपकी फिल्म चल जाती है and लोग uh, अप्रिसिएशन देते हैं एंड ऑल ऑफ दैट अच्छा लगता है डेफिनेटली बट आई डोंट नो अब कुछ ही दिन हुए तो आगे देखूंगी यार सो आर यू आई योर फर्स्ट डेब्यू इन शिवाय आप मानेंगे नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्शन इमोशनल फिल्म में डेब्यू करूंगी मैं मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था लेकिन ऐसा एक तो डेब्यू मिलना बहुत ही मुश्किल है एंड फैक्ट दैट अजय सर ने मुझमें उतना पोटेंशियल देखा कि मैं उनके इतने बड़े फिल्म का हिस्सा बन पाऊँ एंड उन जस्ट फॉर हिम टू टेक मी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो आई थिंक मैंने मेरा सिर्फ वो मानना था एंड एंड जब मैंने शिवाय साइन की मैंने सोचा कि जो भी ऑडियंस अजय सर को थिएटर में देखने आएगी साइड बाय साइड मैं भी दिखी जाऊँगी तो जो उनकी इतनी बड़ी फैन बेस है और इतना जो उनका um, जो जो ऑडियंस है उनकी वो अगर मुझे भी देख पाए तो मेरे लिए अच्छी बात होगी आई थिंक वो सोचकर मैंने शिवाय साइन की और फिर शूट की। इज there एनी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस from दिस मूवी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस आई थिंक मेरे सारे जो सीन्स थे वो मेनली अजय सर के साथ थे मेनली और अफकोर्स गिरीश कर्नाट जी जो मेरे फादर प्ले कर रहे हैं अजय सर पहले तो एक्टर तो मैं ज़्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है वो बहुत ही नेचुरल बहुत ही एफर्टलेस हैं आई थिंक आई थिंक जो उनका वो वो जो स्पॉन्टेनिटी अजय सर लाते हैं स्क्रीन पर उन्होंने वो वो बड़ा हेल्प किया वो दैट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज फिर आप भी काफ़ी नेचुरल हो जाते हैं वैन यू एक्टिंग विथ हिम एंड एज अ डरेक्टर आई थिंक दूसरी बार है जब वो डरेक्शन में डायरेक्शन uh, कर रहे हैं लेकिन uh, वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए uh, शॉर्ट से टेक्निकल एंगल से और अपने एक्टर्स से भी तो जब आई थिंक यू गेट अ डायरेक्टर लाइक दैट काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज आप आप बड़े क्लियर होते हैं सेट पर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता एंड आपको पता है कि आपको एक्जैक्टली exactly क्या करना होता है एंड मेरिका um, बहुत प्यारी लड़की हैं वो uh, पोलैंड से हैं तो हमारा कल्चर बहुत ही अलग है um, वो हमेशा हिंदी सीखने की कोशिश करती रहती बट शीज शी इज़ वेरी स्वीट लेकिन हमारा ज़्यादा काम साथ में था नहीं आई थिंक प्रमोशंस के दौरान हमें यू नो इंटरेक्ट करने को मिला um, जो छोटी लड़की है एबिगेल वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं um, ऐसा कितनी बार होता था कि हम बैठकर उस उसका शॉट देख रहे होते एंड शी इज शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस ऑल्दो वो इतनी यंग है एंड mm -hmm. uh, गिरीश करनाल जी ही प्लेड माई फादर यू नो वो इतने प्यारे आदमी हैं इतना अच्छा नेचर है उनका ही रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ माई ओन ग्रैंडफादर तो मेरा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था गिरीश सर के साथ एंड वो वो बॉन्ड फिल्म ख़त्म होने के बाद भी रहेगा एंड